टीआरएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामलला के खिलाफ शिकायत करने वाले छात्र को मिली धमकी, छात्र पहुंचा एसपी के पास। टीआरएस कॉलेज के पूर्व प्राचार्य रामलला शुक्ला के खिलाफ टीआरएस कॉलेज के ही एक छात्र ने एससी टेक के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। उसका कहना है टीआरएस कॉलेज के पूर्व प्रभारी प्राचार्य ने उसके साथ मारपीट की थी। इस समय यह मामला काफी सुर्खियों में है। दोनों पक्षों के लोग अपनी बात पर अड़े हुए हैं। पूर्व प्राचार्य की ओर से काफी लोग पूर्व में ही लड़के के खिलाफ शिकायत लेकर प्रशासन से मिल चुके हैं, वहीं बच्चा भी शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंच गया। पुलिस अधीक्षक जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। लड़के का कहना है उसे किसी ने धमकाया है, शिकायत वापस लेने के लिए दबाव भी डाला गया है। सर इसलिए आए थे कि हमको धमकी दिया जा रहा बोला जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा कि तुम रामलला शुक्ला के खिलाफ FIR करवाए हो तो वापस ले लो, नहीं तुमको जान से मार दिया जाएगा। इलाहाबाद में 2-3 लोगों की मार करके फेंक दिया गया, कोई कुछ नहीं बोला गया। हमें SP जी का आर्डर है, कोई कुछ नहीं बोला पुलिस प्रशासन, इसलिए हम साहब से मिलने आए हैं। किस तरीके के फ़ोन आ रहे हैं, कौन लोग हैं? फोन नहीं आ रहे, फेस टू फेस सिरमा चौराहे के पास मिल करके बोलते हैं। कौन लोग हैं वो? जानकारी तो नहीं है, एक जात लोग हैं। पहचानते हैं वैसे आप? हाँ भाई, हाँ पहचानते हैं। कितने लोग की संख्या में थे, कब धमकी दी गई थी आपको ये सर? वहाँ कई लोग आवाजाही लगा था सिरमा चौराहे के पास, 2-3 लोग थे, एक टी शर्ट पहने थे और एक जींस के पैंट पहने थे। कब दी गई थी धमकी? ये धमकी कल दी गई थी, ये 5:30 के लगभग। आज क्या मांग की है आपने SP साहब? आज हमने मांग किया है कि उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, रामलला शुक्ला के पास। क्या आश्वासन दिया गया आपको? बोले कि ठीक है कार्रवाई होगी, अगर कार्रवाई किया जाए उनको न्यायालय में पेश किया जाए, गिरफ्तार किया जाकर। देखिए केस ऑलरेडी रजिस्टर हो रखा है और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। उनका कहना है कि इनको केस वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो पुलिस अगर कोई आवश्यक जो भी कार्रवाई होगी इसमें करेंगे हम लोग, और मैटर का फेयर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दोनों ही तरफ से पॉइंट आ रहा है, तो मुझे लगता है इसमें कोई संशय की स्थिति नहीं है। एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा, जो फैक्ट्स आएंगे, जो तथ्य आएंगे, जो भी उसमें एविडेंस आएंगे, उसके आधार पर जो निर्णय करना होगा वो हम लोग करेंगे निर्णय। सर छात्र को सुरक्षा के लिए भी कुछ दृष्टि से इंतजार? देखिए अभी हम लोग असेस करेंगे इस बात का कि क्या उनको खतरा है या क्यों उनको ऐसा लग रहा है कि उनको खतरा है। अगर ऐसा हमें लगता है कभी आगे समय में तो हम लोग जरूर सोचेंगे उसके बारे में।